लॉकडाउन की एक झकझोर देने वाली तस्वीर शायद आपको याद होगी, जिसमें एक पिता अपने बच्चे को कंधे पर उठाए सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर निकला था। कैमरे से आंख में आंख मिलाती वो तस्वीर हो या फिर दिल्ली दंगे में एक शख्स को घेर कर पीटती भीड़ की वो तस्वीर जिसमें लोगों के हाथों में डंडे और लोहे के रॉड थे। पिटने वाला शख्स लहूलुहान हुआ जमीन पर गिरा पड़ा था। ऐसी दर्दनाक सच्चाई को दुनिया के सामने लाने वाली तस्वीरें जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने पर मजबूर कर देती हूँ। इन तस्वीरों को खींचने वाले फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी अब इस दुनिया में नहीं है। वो जंग में मीडिया के सिपाही की तरह शहीद हो गए। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगानी फोर्सेस के बीच हुई गोलीबारी में भारतीय पत्रकार और पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की जान चली गई। दानिश अफगानिस्तान के स्पिन बोलदाग जिले में अफगान स्पेशल फोर्सेस के साथ थे और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे। दानिश की आखिरी खबर कांधार से ही थी, जिसमें उन्होंने तालिबान और अफगान सुरक्षा बलों के बीच भीषण लड़ाई के बारे में बताया था। दानिश ने अपने ट्विटर पर अफगानिस्तान में तालिबान के साथ चल रही लड़ाई के बारे में बताया था। अपनी मौत से ठीक 3 दिन पहले भी दानिश एक हमले में बाल बाल बचे थे। 13 जुलाई को ट्विटर पर दानिश ने बताया था कि जिस गाड़ी में वो सवार थे उसे निशाना बनाया गया था। उन्होंने लिखा था, उनकी और सुरक्षा बलों की गाड़ी पर 3 RPG राउंड दागे गए। आगे उन्होंने लिखा, भाग्यशाली हूँ कि सुरक्षित हूँ। दिल्ली के जामिया से पढ़े दानिश को साल 2018 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह अवार्ड उन्हें रोहिंग्या मामले में कवरेज के लिए मिला था। दानिश पहले भारतीय थे जिन्हें पुलित्जर अवार्ड मिला था। हाल फिलहाल दानिश की वो तस्वीर बहुत चर्चा में आई थी जो दिल्ली के एक शमशान घाट में ली गई थी। इस एक तस्वीर से पूरी पिक्चर साफ हो रही थी कि कैसे कोरोना की दूसरी लहर में भारत में बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं। दानिश की इस तस्वीर के बाद देश से लेकर दुनिया में कोरोना में सरकारी लापरवाही और मौत की संख्या पर सवाल उठने लगे थे। इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करने वाले लड़के की तस्वीर लेने वाले भी दानिश सिद्दीकी ही थे। आइए हम आपको उनके द्वारा खींचे गए कुछ बेहतरीन फोटोज दिखाते हैं। जनतंत्र टीवी साहसी और निडर दानिश सिद्दीकी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता है। वाकई में उनका यूं मारे जाना पूरे विश्व की पत्रकारिता जगत के लिए एक बड़ा नुकसान है। जनतंत्र टीवी के लिए सुधांशु चौरसिया की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।